इन एसोसिएशन विद कुटुंब ऐप। अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। यूपी में चुनाव का दौर जारी है, इसी बीच यूपी तक की टीम ने जानने की कोशिश की कैसा है आजमगढ़ की जनता का मूड। इसके लिए लोगों से सरकार की चलाई अंत्योदय योजना पर बात की। यूपी तक की टीम ने गांव-गांव में पहुंचकर जब राशन वितरण पर लोगों से बात की तो लोगों ने अपने अपने तरीके से सरकार और सरकार के द्वारा चलाई गई योजना के बारे में खुलकर बात की। सबसे पहले आजमगढ़ की सदर विधानसभा में आने वाले हरबंशपुर इलाके में जब दलित बस्ती में यूपी तक की टीम ने दौरा किया तो यहां मिले परिवार के लोगों ने अपनी बातों को साझा करते हुए बताया, हर परिवार को मकान मुफ्त, मुफ्त गैस कनेक्शन के साथ बिजली और दवा के लिए जो राहत दी है उसे वो सपने में भी नहीं सोच सकते थे। क्या नाम है? मनोज कुमार। मनोज जी बताओ कहाँ रहते हैं? हरबंशपुर। अच्छा मनोज जी बताइए कि सरकार से आपको तो क्या क्या लाभ मिला? सरकार से हमको सब लाभ मिला, जैसे आवास मिला है, गैस सिलेंडर मिला है, राशन फ्री का 2 बार मिलता है, और सरकार से क्या चाहिए, सब कुछ तो मिल ही रहा है। अच्छा, इसके पहले भी सरकार थी और इस सरकार में क्या अंतर? पहले सरकार में हम राशन कार्ड के लिए और आवास के लिए बहुत दौड़े, नहीं बना। इस सरकार में 1 बार 2 बार गए बस तुरंत हमारा काम हो गया। अच्छा, तो आपकी नज़र से कौन सरकार अच्छा काम कर रही है? हमारी नज़र से भाजपा सरकार सब बढ़िया काम कर रही है। अच्छा, एक गांव में लोग क्या इसके बारे में बताते हैं? गांव में भी इसके बारे में सब लोग भाजपा के चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें गुंडागर्दी कम है और जो सुविधाएं गरीबों को मिलनी चाहिए सब सुविधा मिल रही है गरीबों की। अच्छा, गरीब हम लोग धंधे करने वाले हैं, ठेला लेके जाते हैं, सिवान में जाते हैं, रोड पे जाते हैं तो बहुत, और सरकार में सब जो है गुंडे बदमाश होते हैं तो पैसे छीन लेते हैं, सामान लेते हैं तो पैसे नहीं देते हैं। इस सरकार में कोई दिक्कत नहीं है, सामान लेते हैं पैसे भी दे देते हैं, डरते भी हैं। इस सरकार में हम लोग कहते हैं कि अगर कोई गुंडागर्दी भी करता तो हम लोग कहते हैं फ़ोन कर देंगे तो डर के मारे सब दे देते हैं। इस सरकार में हमको बहुत फायदा है। इसके बाद जब यूपी तक की टीम ने मुस्लिम बस्ती का दौरा किया तो वहां पर रहने वाले अल्पसंख्यकों ने बताया कि पिछली सरकार में उन्हें पैसा देकर गेहूं मिलता था। क्या नाम है आपका? जी रुखसाना मैम। रुखसाना मैम, ये बताइए कि आपको सरकार से राशन मिलता है? जी मिलता है। कितनी बार मिलता है? महीने में 2 बार। क्या क्या मिलता है? गेहूं और चावल। चावल मिलता है। और एक बार चना मिला 1 किलो। अच्छा। 1 किलो नमक। अच्छा। और 1 किलो रिफाइन। रिफाइन जी। तो ये महीने में 1 बार मिलता है आपको? जी। और दूसरी बार में आपको राशन मिलता है? नहीं, जैसे 1 महीने में नमक, रिफाइन, चना और गेहूं और चावल। ठीक। और दूसरे महीने में सिर्फ गेहूं और चावल। गेहूं चावल। अच्छा, रुखसाना जी ये बताइए कि इसके पहले भी आपको कुछ मिलता था इसके पहले की सरकार में? नहीं, बीच में तो बंद हो गया था, शुरू में शायद गेहूं मिल रहा था 8-8 किलो। अच्छा। किरासन तेल मिल रहा था वो भी खत्म, बंद हो गया। यूपी तक की टीम ने जब राशन वितरण प्रणाली पर बात करने के लिए यादव बस्ती का रुख किया तो वहाँ भी लोगों ने बताया कि उन्हें निष्पक्ष रूप से राशन मिलता है और महीने में 2 बार मिलता है। मेवाती यादव। मेवाती, ये बतावा कि तो के सरकार से का का मिला था? चावल मिला था, गेहूं मिला था, नमक, तेल, रिफाइन मिला था। अच्छा। ये कुल मिला था, चावल गेहूं मिला था। महीने में कितने बार मिला था? 2 बार। अच्छा, तो एक पहले वाली सरकार में का का मिला था? तब राशन मिलत रहा, चीनी मिलत रहा, काम मिलत रहा, मट्टी तेल मिलत रहा, वो कुल बंद। अच्छा, और राशन? राशन तो मिलता रहा, तब मिलता वो मिलता। पैसा? अब तो पैसा देते है ना, एक ना तो पैसा देते है, एक ना तो फ्री मिलत है। हाँ, ये है। अच्छा, कौन सरकार नहीं की है? दोनों सरकार, हमारे लिए सरकार सब ठीक है। अच्छा, आजमगढ़ के सदर तहसील में आने वाले सरफुद्दीन गांव में जब यूपी तक की टीम ने ब्राह्मणों की बस्ती का रुख किया तो वहां पर मिले ब्राह्मणों ने बताया उन्हें भी महीने में 2 बार राशन मिल रहा है, वो भी मुफ्त। क्या नाम है आपका? जानकी पांडे। जानकी मैम, ये बताइए कि आप लोगों को सरकार द्वारा राशन क्या क्या मिल रहा है? गेहूं, चावल, चना, तेल, नमक महीने में 2 बार मिलता है। दो बार मिल रहा है। कोरोना से, जब से कोरोना होने तो एक बार ही मिलता था। अच्छा।
अच्छा। वो पैसे से अच्छा। और इसके पहले वाली सरकार में क्या मिलता था? अब हम लोगों को तो कुछ भी नहीं मिलता था, जो मिलता था कंट्रोल पर पैसे से मिलता था एक बार। अच्छा, तो इस सरकार में और दोनों सरकार में अंतर आपको क्या लग रहा, कौन सी? अब कुछ तो अंतर है ही है, कुछ तो अंतर भाई, कुछ तो अंतर दिखाई दे रहा है। और जिसके साथ जो जो अच्छा करेगा वो अच्छा बोलेगा, जिसके साथ अच्छा नहीं होगा वो अच्छा नहीं बोलेगा। दोनों सरकार की तुलना में कौन सरकार अच्छी लगती है आपको? अब किसे बताए, जो चल रही है वही अच्छा है, जो चल रहा है वही अच्छा है। राशन पहले से नहीं मिलता था? नहीं नहीं, पहले तो एक ही बार मिलता था। अच्छा। पैसे से मिलता था, पैसे से मिलता। और हमी को नहीं, सबको भी मिलता था, चाहे कोई भी हो, हरजन हो, यादव हो, ब्राह्मण हो, लाला हो, कास्ट जो भी, जिसको भी मिलता था सबको मिल रहा है। पिछली सरकार की तुलना में डबल इंजन की सरकार ने डबल राशन देकर जहां गरीबों को बड़ी राहत देने का काम किया है, तो वहीं बिना भेदभाव के मकान, गैस कनेक्शन, मुफ्त इलाज के साथ सभी को राहत दी है। इस मौके पर लोगों ने ये भी कहा कि सरकार जो हमें नमक दे रही है, हम उसका हक भी अदा करेंगे। आजमगढ़ से यूपी तक के लिए राजीव कुमार की रिपोर्ट।